हेलो सब गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, सैमसंग बहुत ही जल्दी इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी M21 का 2021 वेरिएंट लॉन्च करने वाला है। तो क्या होंगे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस, क्या होगा इस फ़ोन का प्राइस और कब होगा इंडिया में लॉन्च, सभी कुछ डिटेल में कवर करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आपको डिसीजन लेना बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि आपको इस फ़ोन को लेने के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको किसी और फ़ोन को लेना चाहिए। सो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं तोशी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम Get started. ओके, तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ट इन डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर हमेशा की तरह आपको इस बार भी प्लास्टिक यूनिबॉडी ही देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको यू इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसका साइज होगा 6.4 इंचेस, और बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें, तो डिस्प्ले आपको 6.4 इंचेस का देखने को मिलने वाला है, जिसका रिजोल्यूशन फुल HD प्लस होने वाला है, और यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा। आपको डिस्प्ले को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम फोन के कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48+8+5 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरे में भी यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरे में भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको सैमसंग का वही प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो पिछली बार हमें काफ़ी सारे फोन्स में देखने को मिला है, और ये प्रोसेसर होने वाला है सैमसंग का एक्जिनोस 9611 प्रोसेसर, जो हमें पहले काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल चुका है। तो गाइज आपका यूजेस इतना नहीं है, अगर आप एक हैवी यूज़र नहीं है, तो यहाँ पर आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक हैवी यूज़र नहीं है तो आपमें डे टू डे यूज़ में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं अपना अगर ओपिनियन शेयर करूँ इस चिपसेट के बारे में, तो 9611 प्रोसेसर में A51 यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे फ़ोन में यही चिपसेट है। ज्यादा दिन में हैवी यूज करता हूं, मल्टीटास्किंग करता हूं, और इसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी कुछ काम सब कुछ एक साथ करता हूं, और कुछ लैग्स देखने को मिलते हैं, और वहां पर मुझे फील होता है कि जो 9611 प्रोसेसर है ये हैवी यूजर्स के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा हैवी यूजर नहीं है, अपने फोन को इतना यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल यूजर्स करते हैं, इस प्रोसेसर से कोई भी शिकायत होने वाली नहीं है। यहां पर बात करते हैं इस फोन में UI की, तो यहां पर आपको One UI देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको One UI का वर्जन 3.1 का कोर वर्जन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं कोर वर्जन में। यहां पर आपको One UI का फुल वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, ओनली कोर वर्जन ही देखने को मिलेगा। तो गाइस जो 2020 में M21 लॉन्च हुआ था, वो हुआ था One UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 10 पर। लेकिन यहां पर ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, वो होने वाला है One UI 3.1 के कोर वर्जन के साथ बेस्ड ऑन Android 11 के लिए। तो गाइस अगर आपके लिए छोटे फीचर्स मैटर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको One UI में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि One UI का जो इंटरफेस है मुझे बाकी सारे ब्रांड से बहुत ही ज्यादा बेटर लगता है। बात कर लेते हैं गाइस इस फोन की बैटरी की, तो बैटरी यहाँ 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स 15W का चार्जर देखने को मिलने वाला है, जिसमें अगर आप 0 to 100% फोन को चार्ज करेंगे, तो उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे डेफिनेटली लगने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 घंटा 10 मिनट या फिर 1.5 घंटे से ऊपर ही टाइम लगेगा फोन को 100% तक चार्ज होने में। तो गाइस जिस भी प्राइस पे ये फोन लॉन्च होगा, उसी प्राइस में मार्केट में दूसरे सारे ब्रांड हमें काफी सारे फोन्स ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमें एटलीस्ट 25W का जो चार्जर है वो देखने को मिल ही रहा है बाकी सारी ब्रांड्स में। तो यहाँ पर गाइस सैमसंग अभी तक हमें जो 15W का चार्जर है वही प्रोवाइड कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या होगा इस फोन का प्राइस, वो बताने वाला हूँ मैं आगे। यहाँ पर आपको सारे ही तरीके सेंसर देखने को मिल जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, लाइट सेंसर, और छोटे मोटे जितने भी सेंसर है वो सारे ही सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन में कौन कौन से वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे और क्या होने वाला है इस फोन का प्राइस। यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एक 4GB+64GB और एक 6GB+128GB। तो 4GB+64GB वाला जो वेरियंट है उसका प्राइस 13,500 rupees के आसपास होने वाला है, और जो 128GB वाला वेरियंट है उसका जो प्राइस रहेगा वो 15,500 rupees हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस ये जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड प्राइस है, यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी प्राइस रेंज के आसपास ही आपको फोन जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कब तक इंडिया में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगस्त के महीने में इसकी लॉन्च डेट है, और बहुत ही जल्दी ये फोन हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। चलिए गाइस अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर। सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि लास्ट ईयर हमें जो
2020 में M21 देखने को मिला था, वही सारे स्पेसिफिकेशंस इस फोन में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या अलग है जिसकी वजह से सैमसंग इस 2021 एडिशन के नाम से लॉन्च कर रहा है? तो अगर बात करते हैं डिफरेंस की या फिर अपग्रेड की, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंट आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशंस में देखने को नहीं मिलने वाला है। उसी फोन को न्यू नेम से बेचा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो M21 2020 में लॉन्च हुआ था वो हुआ था One UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 10 पर, लेकिन यहाँ पर 2021 जो वेरिएंट जो लॉन्च होगा वो होगा One UI 3.1 बेस्ड ऑन Android 11। तो यहाँ पर आपको कोर वर्जन देखने को मिलने वाला है, फुल वर्जन देखने को नहीं मिलने वाला है One UI का। ओके, तो गाइज यही एक डिफरेंट है जो हमें लास्ट ईयर वाले फोन में और 2021 वाले एडिशन में देखने को मिलेगा। ओनली अपडेट पॉलिसी जो चेंज हो जाएगी, जो 2020 वाला मॉडल था उसको एक मेजर अपडेट कम मिलेगा और जो 2021 वाला वेरिएंट है उसको एक मेजर अपडेट ज्यादा मिलेगा। अपडेट पॉलिसी ही यहां पर एक साल और बढ़ जाएगी, एक मेजर अपडेट आपको इसमें और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें लास्ट ईयर वाले मॉडल में और 2021 वाले मॉडल में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।